बहराइच और सीतापुर में भेड़िया गैंग की दहशत है। बात बहराइच की करें तो भेड़ियों को पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है। बहराइच में भेड़ियों ने अब तक 9 लोगों को अपना निशाना बनाया, उनकी हत्या कर दी, जान ले ली। 4 भेड़ियों को वन विभाग की टीम ने पकड़ लिया, वहीं बाकी की तलाश की जा रही है। भेड़ियों का गैंग नए इलाके में दस्तक दे चुका है। बहराइच जिले के मैसी इलाके के साथ साथ अब कैसरगंज इलाके में भी भेड़िया नजर आया है। साथ ही आपको बताएं कि 2 भेड़िए सीसीटीवी कैमरे में यहां कैद हुए हैं। भेड़ियों की तलाश में वन विभाग की टीम लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है। सीतापुर में भेड़िए का आतंक कुछ इस कदर देखा गया कि भेड़िए ने एक बुजुर्ग की जान ले ली। वन विभाग की टीम भेड़िए को पकड़ने में जुटी हुई है। तो बहराइच में वैसे तो भेड़ियों का आतंक पिछले कई महीनों से है, लेकिन पिछले 12 दिन से सबसे ज्यादा भारी पड़ रहे हैं भेड़िए इन लोगों पर। 12 दिनों में भेड़ियों के हमले काफी तेज हो गए हैं और कई बच्चों को इन भेड़ियों ने अपना शिकार बनाया है। एक महिला भी भेड़ियों के झुंड का शिकार बनी है। वन विभाग की टीम जहां ड्रोन से लगातार इन भेड़ियों पर नजर रख रही है, तो वहीं गांव में दहशत का आलम है। ये आलम ऐसा है कि सूरज ढलने के बाद लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकलते हैं, पूरे इलाके में सन्नाटा पसर जाता है। सबको दहशत होती है, घर से बाहर निकले तो भेड़िया अटैक कर देगा। देखिए रिपोर्ट। भेड़िए का आतंक वो 12 दिन। बहराइच में इन दिनों खूंखार भेड़ियों का आतंक इतना है कि सूरज ढलते गांवों में सन्नाटा पसर जाता है। गांव वाले घर की दहलीज से एक कदम बाहर रखने तक में कांप जाते हैं, क्योंकि भेड़िए अब तक 9 लोगों को मौत के घाट उतार चुके हैं, जिनमें 8 बच्चे शामिल हैं। भेड़ियों का पहला हमला 10 मार्च 2024। भेड़ियों का पहला हमला 10 मार्च को हुआ था, लेकिन पिछले 12 दिन गांव वालों पर सबसे ज्यादा भारी रहे। आपको बताते हैं कि किस किस दिन भेड़ियों ने गांव वालों पर घात लगाकर हमला किया। बहराइच के महसी इलाके में भेड़ियों का पहला हमला 10 मार्च को हुआ, जब भेड़िया 3 साल की बच्ची को उठाकर ले गया। उसके बाद 23 मार्च को भेड़िए का दूसरा हमला हुआ, तब 1.5 साल का बच्चा भेड़िए का शिकार बना। अप्रैल से जून तक भेड़िए की दहशत नहीं देखी गई, लेकिन जुलाई के महीने से एक बार फिर भेड़ियों ने खूनी खेल शुरू कर दिया। भेड़िए ने तीसरा शिकार 17 जुलाई को, वहीं 27 जुलाई को चौथा, 3 अगस्त को पांचवा शिकार। भेड़िया रखदाने गए थे, कहां खेत में गए थे, उधर भेड़िया बहुत हैं। 10-12 लोग गए थे गांव से, एक बच्चे को घेर लिया था, पेड़ पे चढ़ गया था, उसको उठाने बुलाने गए थे। क्या कोई मौत का भी मामला सामने आ रहा है? एक महिला की मौत हो गई है। भेड़िए का बड़ा आतंक 17 अगस्त 2024। 17 अगस्त से भेड़ियों का आतंक काफी बढ़ गया है। पिछले 12 दिनों में भेड़ियों के हमले में काफी तेजी आई है। आलम ये है कि पिछले 12 दिनों से गांव वाले ठीक से सो नहीं पाए, न जाने अगला नंबर किसका होगा। 17 अगस्त को भेड़ियों ने छठा शिकार किया, तो वहीं 22 अगस्त को भेड़ियों का 7वां हमला था। 26 अगस्त को 8वां शिकार किया, तो वहीं 27 अगस्त की रात भेड़िए ने एक मासूम को मार दिया। पिछले 40 दिनों से लगातार बहराइच के महसी इलाके में करीब 30 गांवों में भेड़ियों का आतंक कायम है। भेड़िए ने सिर्फ बच्चे ही नहीं, महिलाओं को भी अपना शिकार बनाया। पूरे इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। वन विभाग टीम आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने के लिए दिन रात मेहनत कर रही है। अभी सुबह से हम लोग 3:30 बजे से यहाँ पे उनकी लोकेशन है, क्योंकि नॉक्टर्नल एनिमल्स हैं, लगे हुए उनकी लोकेशन ट्रेस करने में। और जिस साइट पे कल रेस्क्यू हुआ था, वहाँ से उस पूरे 4 किलोमीटर के एरिया में हमने सर्च कर लिया हुआ है। कुछ और प्रभावित क्षेत्र है जिसपे हमें लग रहा है कि वहाँ पे उसकी मूवमेंट प्रॉबेबल है, उन सभी क्षेत्रों पे भी अभी हम चेक कर रहे हैं। और जैसे ही सर्च उनका मिलता है, फिर उसके बाद आगे की रणनीति बना के उस हिसाब से। उनका चेंज हुआ है क्या? जो
देखिए, जो उनका पहले एरिया था उस एरिया पे जैसे जब भी कोई भी जानवर डिस्टर्ब होता है, जाहिर सी बात है उस एरिया पे इमीडिएटली वो जानवर वापस रिटर्न नहीं करता है। थोड़ा वाटर लॉगिंग की भी समस्या वहाँ पे होनी शुरू हो गई हुई है, तो अभी उसको चेक कर रहे हैं हम, लगातार उसको प्रयासरत है। और चारों दिशा में ड्रोन कैमरे से इन भेड़ियों की लोकेशन पता करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि मौसम की वजह से ड्रोन उड़ाने में कुछ तकनीकी दिक्कतें भी आ रही हैं। वहीं वन विभाग की टीम को भेड़ियों के साथ सीआर भी मिल रहे हैं, जिसके चलते भी भेड़ियों को पकड़ने में दिक्कतें आ रही है। बारिश होती है तो उसमें भी ड्रोन उड़ नहीं पाता है, और गर्मी में तो हीट सिग्नेचर्स थोड़ा सा वो हो जाता है, लेकिन हीट सिग्नेचर्स का प्रॉब्लम ये है क्योंकि यहाँ जकाल बहुत ज्यादा हैं, जहाँ पे एक वुल्फ अगर हम देख रहे हैं तो उसके अगेंस्ट हमें 50 जैकल को भी उसमें चेक करना पड़ रहा है। लग जाता है क्योंकि हीट सिग्नेचर्स ऑलमोस्ट सिमिलर है, और ऊपर से ड्रोन से भी उसकी मतलब चेक करते हैं वापस, तो ऑलमोस्ट सिमिलर सा दिखता है एक्सेप्ट फॉर उसकी जो व्हाइट प्लूम होती है अंडर बेली वगैरह। लेकिन जब तक के लिए उसको चेक कर रहे हैं वहां पे जाके, एक बार विजुअली खुद से भी एक बंदा भेज के उसको चेक करना पड़ता है कोई साथ, तो तब तक के लिए वो डिस्टर्ब होता है, वो थोड़ा टाइम और उसमें एफर्ट्स लगते हैं। अब तक कई भेड़ियों को वन विभाग की टीम पकड़ने में कामयाब भी हुई, लेकिन भेड़ियों के झुंड में अभी और भी भेड़िए हैं जिनकी भूखी निगाहें शिकार के फिराक में जुटी है। वहीं दूसरी ओर गांव वाले रात रात भर जाकर पहरा दे रहे हैं। कुछ गांव वाले ऐसे भी हैं जो भेड़ियों के हमले से बच गए, या उन्होंने अपनी आंखों के सामने आदमखोर भेड़ियों का आतंक देखा। वो हले हले आवा सब बच्चे ने कहा लपट के वहां नाचे लागा, जब नाचे लागे सब खून खच्चर सब लड़का सब तारा जब बचावे चले वो चीज नाचे। हर जगह डर का माहौल है, लोग अकेले जाने में खतरा महसूस कर रहे हैं। हमला करने के बाद भेड़िए खेतों में जाकर छिप जाते हैं। घात लगाकर बैठे आदमखोर भेड़िए किसी को नहीं बख्शते। बहराइच की 50,000 जनता डर डर कर जी रही है, क्योंकि जब तक भेड़िए पकड़े नहीं जाते तब तक यहाँ के लोगों को चैन नहीं आएगा। न्यूज 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। बड़ा सवाल यह है कि भेड़ियों के अचानक से बड़े हमलों की वजह क्या है? आदमखोर भेड़ियों के पीछे क्या बदलता मौसम इसके पीछे बड़ी वजह है, या फिर भेड़ियों का मेंटिंग सीजन उन्हें ज्यादा हिंसक बना रहा है, या फिर रेबीज बीमारी के चलते भेड़िए हो गए हैं आदमखोर? अब इन्हीं सवालों के जवाब हम जानते हैं अपनी इस रिपोर्ट में। देखिए एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं। आंखें, खूनी पंजे, खामोशी से बढ़ते कदम। भेड़िये वो शातिर शिकारी हैं जिसकी आहट तक नहीं आती, और जब वो आदमखोर हो जाएं तो मुश्किल है इनके चंगुल से कोई शिकार बच पाए। अब सवाल है कि भेड़िया इतना हिंसक कैसे हो सकता है कि जो बीते करीब 45 दिनों से बहराइच में दहशत का पर्याय बना हुआ है। इसकी दहशत का आलम यह है कि 35 गांवों के 50,000 लोग दिन हो या रात खौफ की चादर ओढ़े किसी तरह से समय काट रहे हैं। जानकारों की माने तो कुछ हद तक मौसम भी इनको हिंसक बनाता है, जिसमें मेटिंग सीजन को भी इन कारणों में से एक माना जाता है, और रेबीज भी एक कारण माना जाता है, या फिर भेड़िये कभी कभी अपने बच्चों को खाना मुहैया कराने के लिए आदमखोर हो जाते हैं। देखिए भेड़िया जो है वो बहुत चतुर और चालाक जिसे कहते हैं उस तरीके का जानवर होता है, और ये वैसे साधारणतः तो ये माना जाता है कि ये मनुष्य से बहुत ज्यादा डरता है, परंतु जो इसकी स्टडी की गई है अभी तक संसार में उसमें ये देखा गया है कि या तो जब इसका प्रजनन काल होता है या फिर जब प्रजनन काल ना होके जब इसके बच्चे होते हैं और बच्चों के लिए जो है वो फूड अवेलेबल नहीं हो पाता है तो ये इस तरीके की घटना कर सकता है। बताते हैं कि भेड़िये 2 साल की उम्र में ही बड़े हो जाते हैं और 3 साल की उम्र में यौन रूप से तैयार। जानकारों की माने तो ज्यादातर मामलों में देखा गया है कि रेबीज के कारण भेड़िये हिंसक हो जाते हैं,
जिसमें वो इंसानों तक को अपना निवाला बनाने में संकोच नहीं करते। कैनेडी फैमिली का है और ये भी पाया गया है कि ये जो है जो रेबीज नाम के वायरस होता है उसके लिए रिजर्वायर माने जाते हैं, तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि हो सकता है कि ये जो है रैबिड है और इनको जो है रेबीज का कोई इन्फेक्शन हो, उसके कारण भी ये ऐसा करते हैं। और अभी तक जो स्टडी पाई गई है उसमें 60-70% जहां भी अटैक पाए गए हैं वो जो है भेड़िए जो है वो रैबिड पाए गए हैं। जहां तक भेड़ियों के हिंसक या फिर खतरनाक होने की बात है तो इसके पीछे ये है कि भेड़िए बहुत चालाक होते हैं। और भेड़िए क्यों हैं इतने खतरनाक? पूरी तैयारी के बाद हमला करते हैं, हमले से पहले शिकार की रेखी किया करते हैं, शिकार से पहले घात लगाकर घंटों इंतजार करते हैं। सबसे ताकतवर भेड़िया पहला हमला करता है, फिर बाकी भेड़िए एक साथ हमला करते हैं, शेर छोड़कर कमजोर को निशाना बनाते हैं। वैसे ये जानवर बहुत मनुष्यों से दूर रहना पसंद करता है और ये समझ लीजिए कि शेर को छोड़कर यदि है तो उसको छोड़ देता है, बाकी बहुत चालाकी से अपना शिकार करता है। 5 मीटर तक की तो ये छलांग मार लेता है और ये समझिए कि करीब ऑन इन एवरेज 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भाग लेता है और 20 मिनट तक ये इस चाल से भाग सकता है, पीछा कर सकता है। बहरहाल बहराइच में आदमखोर भेड़ियों की अभी भी दहशत कायम है जिसे पकड़ने के लिए दिन और रात कॉम्बिंग की जा रही है, लेकिन हिंसक भेड़िए दबे पांव दहशत की छाप छोड़े जा रहे हैं लेकिन पकड़ में नहीं आ रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो यूपी की दो जगहों पर आदमखोरों ने दहशत मचा रखी है। बहराइच में जहां पर 100 घंटे से ज्यादा से ऑपरेशन आदमखोर चल रहा है, तो वहीं सीतापुर में भी अब दावा है कि भेड़ियों ने हमला किया है। लोगों के चेहरों पर दहशत देखी गई है। जो आया हुआ है उसी के चक्कर में हम लोग निकले हुए हैं। अभी सूचना भी तुरंत मिली है कि इधर दिखा है भेड़िया, तो काफी दिनों से दिख रहा है, आज एक पकड़ा भी गया है। तो फास्ट के द्वारा जानकारी दी गई है, तो बताया जा रहे हैं आदमपुर, तो आदमपुर भेड़िया है यहाँ जी, बताया जा रहा है, देखे भी जा चुके हैं, देखे भी जा चुके हैं, 4 पकड़े जा चुके हैं, 2 देखे जा चुके हैं। भेड़ियों की अक्सर आमद रहती है जी? बहुत पहले रहती थी लेकिन कभी आदमखोर नहीं हुए, आदमखोर अभी जल्दी ये हो गए। आदमपुर न होते तो भेड़िए तो हमेशा रहे नदी कछार में। दो जगह बहराइच और सीतापुर, जहां दिन में खौफ है, लोगों की रात की नींदें खो चुकी हैं, क्योंकि भेड़िए आतंक का पर्याय बन चुके हैं। बहराइच में आदमखोरों को पकड़ने का अभियान तेज चल रहा है जिसमें वन विभाग पुलिस की टीमें लगी हुई है। न्यूज 18 लगातार इस मिशन की पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहा है। 100 घंटे से ज्यादा हो गए हैं जब से बहराइच में कॉम्बिंग अभियान तेज किया गया है। न्यूज 18 की टीम बहराइच में दिन रात इस अभियान पर नजर बनाए हुए है। वहीं सीतापुर में भी न्यूज 18 ग्राउंड पर डटा हुआ है, लोगों से लगातार बात की जा रही है, लोग खौफ में हैं, रात रात भर जाग रहे हैं कि कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। अब यहाँ पर जो दावा किया जा रहा है प्रशासन की ओर से, वन विभाग की ओर से, यही किया जा रहा है कि अब हम कोई भी कैजुअल्टी नहीं होने देंगे। मैं इस वक्त जहाँ पर मौजूद हूँ आप देख सकते हैं, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा वो आगे दिखाएं। देखिए ड्रोन के जरिए भी निगरानी की जा रही है यहाँ पर कि कहीं खेत में किस तरफ हो सकता है भेड़ियों का समूह, ये भी जानने की कोशिश की जा रही है। बहराइच से लेकर सीतापुर में आदमखोर भेड़िए ने ऐसा आतंक मचाया कि लोगों का डर जुबान पर आ गया। यहाँ के 35 गांवों में ऐसा खौफ न पहले कभी देखा गया और न ही कभी सुना गया। लेकिन अब आदमखोर भेड़ियों की ही चर्चा हर जगह है, भेड़िए बच्चों पर हमला कर रहे हैं, इसकी वजह से बच्चों को अकेला नहीं छोड़ा जा रहा है। रात होते ही बच्चों को घर के अंदर लोग छुपा लेते हैं। सावधान रखना ही पड़ता है, दरवाजा भी बंद कर लेते हैं
और बच्चे अंदर भी रखा जाता है। महीना लग जाए सोया ना आई है, महीना भर हो गया। हाँ। तो आप अपने बच्चों को क्या समझाते सिखाते हैं? कैसे बच्चों को सिखाते हैं कि घर के अंदर रहो, जब तक मान चलो कि कहूँ ऐसी शिक्षालय कूदे ना जाओ। डर तो है ये है, कहूँ खतरों का डर था तो वहाँ आदमी सब परेशान है। वहीं सीतापुर में भी लोगों का दावा है कि भेड़ियों ने हमला किया है, जिसमें एक बुजुर्ग महिला की मौत हुई है, वहीं कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। सीतापुर में भी लोग दहशत में जी रहे हैं, उन्हें हर पल किसी अनहोनी का डर सता रहा है। वहीं वन विभाग भी सर्चिंग ऑपरेशन में लगा हुआ है ताकि हमला कर रहे जानवरों को दबोचा जाए। इस तरह बहराइच से लेकर सीतापुर तक लगातार तलाशी अभियान चल रहा है। हम आज यहां पर सुबह से ही धर्मपुर गांव में ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। न्यूज 18 की टीम ने सुबह से ही इसी गांव में डेरा डाल रखा है और उस खूंखार भेड़िए की तलाश में जुटी हुई है। हम आपको दिखा सकते हैं कि ये नदी का किनारा है। बताते हैं कि आज दिन भर से भेड़िया नहीं दिखाई दिया है, लेकिन जैसा जैसा माना जा रहा है गाँव वालों का ये दावा है कि जैसे जैसे मौसम में नरमी आएगी उसे वैसे भेड़िए के बाहर निकलने की आशंका प्रबल जताई जा रही है। इसी तरह से हम यहां पर न्यूज 18 की टीम जो है नदी के किनारे हिस्से में देखने आई है, उसकी लोकेशन देखने की आई है कि हकीकत देखने की भेड़िया वास्तव में कहीं ना कहीं तो छुपाई होगा। आप देख सकते हैं कि हम आपको दिखाना चाहेंगे, देखिए कुछ यहाँ पर हल्की हल्की जो है पेड़ों के अंदर हलचल हो रही है और हलचल में पेड़ जिस तरह से ये हिल रहे हैं उस तरह से जो है यहाँ पर एक आशंका जताई जा रही है कि इसी के अंदर जो है जंगली जानवर जैसे भेड़िया का दावा किया जा रहा है वो इसी के अंदर है। बहराइच में 4 आदमखोर पकड़े जा चुके हैं, लेकिन बाकी भेड़ियों की खोज लगातार जारी है। न्यूज 18 की टीम भी इस अभियान में दिन रात मुश्तैद है और खतरनाक मिशन पर सटीक जानकारी पहुंचाने का काम कर रही है। बहराइच में इतने बड़े खोजी अभियान के चलने से लोगों की उम्मीद भी बढ़ती जा रही है। अब लोग आदमखोरों के खौफ से बाहर निकलना चाहते हैं क्योंकि अब वो डर के साए में नहीं जीना चाहते। अब इंतजार है बाकी भेड़ियों के पकड़े जाने का। न्यूज 18 के लिए बहराइच से ऋषभ मणि और सीतापुर से संदीप मिश्रा की रिपोर्ट।